हम इंडिया के पीपल लानत करते हैं और लानत ही करते रहेंगे। उनके अंदर कोई गैरत और इंसानियत की चीज़ नहीं है। वहाँ के मुसलमान भी बेगैरत, वहाँ के तमाम मजहब बेगैरत। इंडिया और पाकिस्तान के झंडे को गिरा लगा के दुनिया को कहा कि हम दुश्मन नहीं हैं, हम दोस्त हैं, और अगर हम इंडिया और पाकिस्तान एक साथ रहेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। मेरे बेटे, मैं एक्स आर्मी का आदमी हूँ, मैंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हुई इंडिया के साथ, और मैं 41 साल दुबई में भी रह के आया, उनकी फौज में भी, उनकी बल्दिया में भी। जो इंडिया का न्यूक्लियर डे और 11 मई की पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में प्रोटेस्ट है, इसको जो कोई आपस में मिलाता है या मिलाने की कोशिश कर रहा है वो पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में कश्मीर में ये हो क्या रहा है। कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, गाड़ियां तक उल्टा दी गई हैं वहां पर, इन्फ्लेशन के खिलाफ, महंगाई और बिजली के बिल और जो ऐसा। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के पीएम हो या वहाँ के लोग हो, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जैसे बड़े शहरों में कराची हुआ, वहाँ का इस्लामाबाद हुआ दोस्तों, और बड़े बड़े शहर जहाँ के वो आज़ाद कश्मीर उनका छोड़ा के, यानी पाकिस्तानी कश्मीर का एरिया हो उसको छोड़ा कर कि जम्मू कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो पाकिस्तानी कश्मीरी वो दोस्तों प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं और रैलियाँ निकाल रहे हैं, आज़ाद करो या हमें दोस्तों दूसरा देश बनाने का मौका दो। क्योंकि दोस्तों, सभी को बता दें, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है इतना अपने बड़े बड़े सिटी शहरों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, बिजली दे रही है, उनको खाना दे रही है, उनको फैसिलिटीज आज़ाद उनके कश्मीर को नहीं कर रही, उनको जो कि मांगे सामान देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान क्या बोल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हुकूमत ने जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है, स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां कर दी हैं हर तरह की। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है, और उसी दिन जो है वो ये कश्मीरी जो नेशनलिस्ट हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लास्ट टाइम इन्होंने जो प्रोटेस्ट की कॉल आई थिंक दी थी वो 5 फरवरी को दी थी, जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है। और अभी एक तरफ कश्मीर सॉलिडारिटी डे को डाइवर्शन की गई, उस पर अटेंशन डाइवर्ट की गई, और अभी इंडिया का जो न्यूक्लियर डे है उस पर जो है ये कश्मीरी नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ एक और बात भी की जा रही है कि जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी जो डिज़ायर है इंडियन गवर्नमेंट की कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसको हम हासिल करेंगे, इतने के बाद हमारे खिलाड़ी ने इंडिया और पाकिस्तान के झंडे को गिरा लगा के दुनिया को कहा कि हम दुश्मन नहीं हैं, हम दोस्त हैं, और अगर हम इंडिया और पाकिस्तान एक साथ रहेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। मेरे बेटे, मैं एक्स आर्मी का आदमी हूँ, मैंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हुई इंडिया के साथ, और मैं 41 साल दुबई में भी रह के आया, उनकी फौज में भी, उनकी बल्दिया में भी, इंडिया के साथ मैं इंडिया की कैद भी 71 में गुजारी है, मुझे पता है। जी हाँ, हम इंडिया के पीपल लानत करते हैं और लानत ही करते रहेंगे। उनके अंदर कोई गैरत और इंसानियत की चीज़ नहीं है। वहाँ के मुसलमान भी बेगैरत, वहाँ के तमाम मजहब बेगैरत। ये बोलो, आप आर्मी में हैं, आपने बड़े अप्स एंड डाउन देखे, हम बहुत जो है प्राउड फील करते हैं। 80 साल उम्र है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैंने हर नशेब। पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में कश्मीर में ये हो क्या रहा है। कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, गाड़ियां तक उल्टा दी गई हैं वहां पर, इन्फ्लेशन के खिलाफ, महंगाई और बिजली के बिल और जो गंदम पर वीट पर सब्सिडी उनको नहीं दी जा रही उसके ऊपर कश्मीर में बहुत ही घमसान का रन पड़ा है। और इसकी फुटेजेस वायरल हो रही हैं, इसकी पिक्चर्स, इसकी इमेजेस मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, मैं देख रही हूँ, मेरे पास सामने वीडियोस मौजूद हैं जिसको के कई एक जर्नलिस्टों ने और लोगों ने उसको ट्वीट किया, उसको अपलोड किया है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। जो इंडिया का न्यूक्लियर डे और 11 मई की पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में प्रोटेस्ट है, इसको जो कोई आपस में मिलाता है या मिलाने की कोशिश कर रहा है वो कोई डीजेनरेटेड किस्म का ब्रेन है, जिसका हम तो जवाब ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी जो है ना वो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, मैं ले जाके इसको देखें तो वो कोई जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम लोग हैं वो 11 मई को कोई सेलिब्रेट तो नहीं कर रहा है ना, कोई जश्न तो नहीं बना रहा है कि इंडिया ने न्यूक्लियर बनाया था। तो ये जो मैंने आपको बताया, जैसे कि मेरे सामने इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब की ट्वीट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है दिस इज मुजफ्फराबाद टुडे, और ये कल की है, और उसमें ये कहा गया है थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज वायलेटेड द ओल्ड कॉलोनियल ब्लैक लॉ और सेक्शन 144, यानी कि वहां पर भी 144 का निफास कर दिया आपने,
कश्मीर में, इस्लामाबाद में तो वो 9 मई के मौके पर 144 हुआ ही हुआ, कश्मीर में भी जो है वो 144 हो गया। दे केम आउट फ्रॉम देयर होम्स ऑन फीट, या आजाद कश्मीर के लोग जो है ये कदमों पे जो है वो नंगे पांव निकले हैं। और नो ट्रांसपोर्ट, कोई उस वक्त जाहिर है कि जब आपने 144 लगा दी तो वहां पे ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकती थी, उनके पास नहीं तो वो पैदल ही निकल पड़े। आजाद कश्मीर के लोग पैदल निकलकर उन्होंने घरों से सड़कों पर ये प्रोटेस्ट किया है, और वो डिमांड क्या कर रहे हैं, टैक्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मंगला डैम एंड सब्सिडी ऑन व्हीट। दुबई में इंडियन जो आपके साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, तो आपने कभी पूछा नहीं कि आगे प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान क्यों नहीं आके खेलते? वो कहते हैं यार ज़्यादातर ना कुछ हमारे जो कुछ अवाम के अंदर ऐसे मामला कुछ बने हुए हैं जो दहशत, वो कहते हैं कि यार जो है ना पाकिस्तान में से दहशत गर्द आते हैं। मैंने उनको एक बार इंट्रोड्यूस प्रिपेरा करवाया भी था उनको, मैं कहा यार हर मामले में मुसलमान या पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं होता। हाँ, वो एक इमेज बन गई ना दहशतगर्दी, बिल्कुल ऐसे ही। वो उन्होंने इंडिया के कुछ बंदे पकड़े हुए हैं, उन्होंने खुद कबूल किया कि यार हम खुद, इन्होंने हमें कहा था कि भाई आप कहो पाकिस्तानी है कि इस तरह के आप आपने कहना, उनके बंदों ने खुद कहा कि भाई हमें मोदी ने कहा है कि आपने इनको ये कहना। ये कब का केस है? ये तकरीबन कोई 15 को मैं 16 तारीख की ये बात है। अच्छा भाई, हमने ऐसा नहीं देखा कि पाकिस्तान ने कुछ बंदे पकड़ लिए। खैर, हम इस पे तस्दीक, एक बड़ा मुल्क है, हर शोबे में उसने बेशुमार तरक्की की है, बेशुमार उसकी अचीवमेंट्स हैं, तो किसी दिन भी कोई दिन बनाएंगे तो कोई ना कोई दिन इंडिया में उस हवाले से होगा ही होगा। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में अब जवाब उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि ये आप इसे मतलब निकालना क्या चाहते हैं, कि उनको इस दिन नहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए, 11 के बजाय 12 को करें, तो फिर क्या हो जाएगा? क्या आप उनको उनके हुक दे देंगे? मेरे पर्सनली बहुत सारे दोस्त हैं, मैं विराट कोहली का बहुत फ़ैन हूँ। अच्छा। तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। हमारे दरमियान अक्सर इख्तलाफात होता है कि तुम कोहली को क्यों सपोर्ट करते हो, इतनी सी बात पर मेरा राइट है, वो एक क्रिकेटर है, ना कि हम उसको देखें कि वो एक इंडियन है। हाँ। उसकी क्वालिटी देखें, वो क्रिकेटर है, उस बेस पर उसको जज करें। तो हाँ। मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, उसका फ़ैन हूँ, बाबर आजम का भी फ़ैन हूँ, पर लेकिन कोहली की क्लास बाबर से मुझे अच्छी लगती है। मेरी पर्सनल थॉट्स विराट कोहली उससे हायर है। सो दैट्स, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बॉलीवुड में कौन पसंद है। बॉलीवुड में मुझे टाइगर श्रॉफ पसंद है। अच्छा। और शाहरुख खान पसंद है। अच्छा। जी मैं उनका फ़ैन हूँ। और इस मुकाबले में सलमान खान भी आए थे देखने। जी सलमान खान ने भी बहुत अच्छा साइन दिया पाकिस्तान के स्पोर्ट के, अक्सर मौक़ों पे वो भी करते हैं जो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इंडिया में रहकर इतनी पहचान बनाई, इतना नाम बनाया है। सर दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि इसमें पाकिस्तानियों की किस प्रकार से हालात बने हुए, किस प्रकार से दोस्तों वहां पर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी दोस्तों सभी को पता होगा किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी कठिनाइयों में जी रहा है, किस प्रकार से एक वक्त का खाना खाकर जो कि एक वक्त का भूखे सोकर जिंदगी जी रहा है। सभी को बता दें कि पाकिस्तान में जो कि अलग अलग शहरों का अलग अलग रेट चलता है, आप सभी को पता होगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, लेकिन दोस्तों सभी को बता दें कि सारे स्टेट को उनके छोड़ा कर और जो वहाँ का पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर जो बोलते हैं उनको आज़ाद कश्मीर पाकिस्तानी, सबसे ज़्यादा रेट हाई होता है हर प्रोडक्ट्स का, बिजली पानी गैस का सबसे ज़्यादा होता है, वो समय पर मिलता भी नहीं है। बस दोस्तों सभी को बता दें कि वहाँ के जो लोग हैं हिंदू या कोई भी लोग हैं मुस्लिम लोग हैं, वो चाहते हैं कि या हम तो भारत साथ मिले या तो हम जो कि अलग बनाएं, क्योंकि दोस्तों सभी बता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको अच्छी तरह से प्रोवाइड फैसिलिटीज नहीं कर पा रही है जिस प्रकार से अपने बड़ों शहरों को कर रही है। ये दोस्तों बोलते हैं कि जो भारत के कश्मीरी हैं वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी से मिलें, ऐसी ज़िंदगी दोस्तों सभी को पता कि वही जी सकते हैं जो कि एकदम गैर एकदम समझ लो कि एकदम बदतर ज़िंदगी जी रहे होंगे। पाकिस्तान की वैसे ही दोस्तों इसमें हालत ख़राब हुई पड़ी, किस प्रकार से लोग जी रहे हैं दोस्तों क्या कहना है कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में।